हेलो फ्रेंड्स, मीना श्रीतड़का में आप सबका स्वागत है। आज हम चना दाल और आलू की सब्जी बनाएंगे। जब भी घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चना दाल और 2 आलू। इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। चना दाल और आलू को बॉईल करने के लिए पानी गर्म कर लिया है। इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी। पानी गर्म होने के बाद हमने जो भिगो के रखा था चना दाल को डाल देंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे कुकर में 2 सीटी आने तक बॉईल कर सकते हैं। सबको मिला लेंगे। इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुका है। अभी आलू को डाल देंगे। आलू चना दाल से जल्दी बॉईल हो जाता है, इसीलिए इसे बाद में डालेंगे। इसे भी ढक के बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुका है। हमारा चना दाल और आलू अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसे बहुत ज्यादा बॉईल ना करें, इसे बस इतना ही बॉईल करना है। अभी इसके लिए मसाला बना लेते हैं। एक पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा हींग, 1 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 इंच दालचीनी डाल देंगे। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। एक प्याज को बारीक काट के लिया है। इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अभी डाल देंगे 1 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ अदरक और लहसुन। इसका कच्चा स्मेल जाने तक इसे भूनेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, सबको अच्छे से मिला लेंगे। एक टमाटर को बारीक काट के लिया है। स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रहे, दाल को बॉईल करते टाइम भी नमक डाले थे तो उसी हिसाब से नमक डालें। 1 टीस्पून कसूरी मेथी को ऐसे हथेली में रब करके डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। मसाला ना जले इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो चुका है। हमारा टमाटर अच्छे से गल चुका है। बॉईल किया हुआ दाल और आलू को डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसे ढक के 1 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है। अच्छे से मिला लेंगे। मैं यहाँ पे 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। आपको ग्रेवी जितना मोटा या पतला पसंद है आप उसी अनुसार डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसे ढक के 1 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है। लास्ट में 1 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। हमारा सुपर टेस्टी चना दाल और आलू की सब्जी बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आप इसे एक बार इसी तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। लाल मिर्च और धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे।
ये एक ऐसी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे रोटी, पूरी, पराठा, चीला, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे नए नए रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।